सर, मैं केवल 3-4 मिनट में दो ही मुद्दे रखना चाहता हूं। अपने देश में जंगल बढ़ना चाहिए, यह सबकी इच्छा है, और जंगल में जो बसते हैं, ट्राइबल्स भी है, नॉन ट्राइबल्स भी है, वनवासी है, उनको भी संरक्षण भी मिलना चाहिए, उनको उपजीविका भी मिलनी चाहिए, लाइवलीहुड भी मिलना चाहिए, यह भी सबकी राय है। हो क्यों नहीं रहा है? अगर कुछ हो नहीं रहा है तो क्यों नहीं होता है? सी, हमारी फॉरेस्ट की ग्रोथ रुक गई क्योंकि किसान पेड़ लगाने को डरने लगा। किसान पेड़ लगाने को डरने लगा क्योंकि चंदन का, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, एक मिनट, चंदन का पेड़ भारत की पैदाइश है, भारत की विशेषता है। हमने ऐसे बंधन नियमों के कर दिए कि सैंडलवुड, सो व्हाट हैपेंड, रेड सैंडल और सैंडलवुड बोथ, सो व्हाट हैज हैपेंड इज फार्मर्स स्टॉप ग्रोइंग एंड देयरफॉर नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द मेजर मैन्युफैक्चरिंग of sandalwood and sandal products and everything is in Australia. We are importing. Exactly. So this is how not to grow forest. This is the example. ये जो control करने की भावना से जो करते हैं, किसान पेड़ तभी लगाएगा जब वो बेच सकेगा, किसान तभी पेड़ लगाएगा जब वो transport कर सकेगा, और ये व्यवस्था हो सकती है कि जंगल के वृक्षों को बड़े कड़ाई से संभालना चाहिए, लेकिन जंगल के बाहर जंगल नहीं होना चाहिए क्या? प्राइवेट जंगल होना चाहिए, और वो नहीं होता है। मेरा एक ही आग्रह है सभी सदस्यों से कि जंगल बढ़ाने के रास्ते में हम ऐसे कंट्रोल की मानसिकता को, जो बहुत नुकसान हुआ है, उसको छोड़ना चाहिए। पार्डन, वृक्ष देवता बोलते हैं, हम मानते हैं वृक्ष देवता, देवता को हम कैसे काटेंगे? Okay. काटने का मुद्दा नहीं है बाबा, पेड़ लगाते हैं तो पेड़ काटना, उपयोग करना, ये भी प्रकृति का ही धर्म है। All right. ये प्रकृति धर्म है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। Yes.